अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम सीखेंगे कि टमाटर को ज़्यादा देर तक हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, हरी मिर्चों को स्टोर कैसे करना है और लेमन को कैसे करना है। तो ये ज़्यादा मतलब टाइम की बचत हो जाती है अगर ये चीज़ें हमारे पास सेव करके रखी हों। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि टमाटर का हम पेस्ट बनाएंगे और कुछ टमाटर को हम लोग ऐसे ही फ्रीज़ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक जिप लॉक बैग लेते हैं इस तरह से, या आप शॉपर बैग भी ले सकते हैं, कोई भी कंटेनर भी ले सकते हैं। तो इसमें मैंने ये टमाटरों को अच्छी तरह से धोया है और इनको मैंने सुखा दिया है। तो अब धोने के बाद, सुखाने के बाद, मैंने पंखे के नीचे बस रख के इसको सुखा लिया था। तो ऐसे ही मैं रख रही हूँ इसके अंदर बैग में। और अब क्या करेंगे, इसको हम इसी तरह से ही फ्रीज़र में रख के इसको फ्रीज़ कर लेंगे। तो ये आपस में बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे और इसी तरह से जो है ना ये फ्रीज हो जाएंगे अच्छे से अच्छे से। मैंने इसी तरह से ही फ्रीज हो जाना है। इस तरह मैं कुछ टमाटर को फ्रीज करने के लिए बैग में रखूंगी और बाकी का हम लोग पेस्ट बनाएंगे। और हमें टमाटर का पेस्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, टमाटर को यहाँ से इसके ऊपर एजेस से हम लोग कट कर लेंगे। इतना इस तरह करके मैं सारे टमाटर को कट करती हूँ और मैं फिर आपको दिखाती हूँ। टमाटर का पेस्ट बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाला है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। और फिर हम जो टमाटर जो मैंने इसके एजेस काट लिए थे, तो ये हम सारा टमाटर को रखेंगे इसके अंदर और स्टीम देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको स्टीम करेंगे और ताकि इसके छिलके जो हैं इसके अलग हो जाएं। तो इनके छिलके सारे रिमूव करके मैं फिर आती हूँ। इसे मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए स्टीम दिया है और ये छिलके उतरना शुरू हो गए। तो अब मैं इन टमाटरों के सारे छिलके रिमूव करती हूँ और मैं फिर आपको बाकी काम बताती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल छिलके जो है स्टीम से निकलना शुरू हो गए। टमाटरों को बॉईल करके इसके छिलके मैंने बिल्कुल रिमूव कर लिए। तो अब मैं एक ब्लेंडर में इन सबको डाल रही हूँ। टमाटर का अपना इतना पानी, इसमें और मजीद पानी डालने की जरूरत नहीं है। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। ऐसे मैं छोटा सा कोई कंटेनर ले लूंगी या बॉल ले लूंगी, उसमें मैं ये सारा पेस्ट जो है वो मैं छोटे छोटे जो है ना कंटेनर में हम इसे फिल कर लेंगे। और मैं इसको फ्रीज़र में रखूंगी पूरी नाइट के लिए ना। ऐसे ही कंटेनर में इस छोटे छोटे बॉल बना के मैं इसको सारे फ्रीज़र में रखूंगी, सारे बॉल्स को। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे उसके बाद फिर हम इसको जिप लॉक शॉपर में इसको सेव कर लेंगे। हरी मिर्चों को महफूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हरी मिर्चों को धो के पहले अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लें। और उसके बाद तकरीबन 1 टेबल स्पून सिरका, सिरका हरी मिर्चों को जो है ना ज़्यादा देर तक रखने के काम आएगा। तो ये हम सारा इसमें स्प्रिंकल कर देंगे सिरके को, और हाथ की मदद से इसको अच्छे से सारा सिरका जो है ये हरी मिर्चों पर लग जाए। इसको इस तरह से रखेंगे और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही सिरके के साथ छोड़ देंगे। और मैं फिर आपको बताती हूँ क्या करना आगे। इसे इसी तरह से ही हम लोग सिरके के साथ मिक्स करते रहेंगे अच्छी तरह से, ताकि सारा सिरका जो है ये हरी मिर्चों को लग जाए। और ये ज़्यादा देर तक स्टोर रखने के लिए बहुत काम देता है। तो इसको हम ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे करते जाएंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, किचन टॉवल ले लें या टिश्यू ले लें, ऐसे प्लेट पे रख लें। और ये जो सिरका लगी हुई हरी मिर्चें थी ये हमने इसी पे फैला दी। और हम इससे अच्छे से ड्राई करेंगे, क्योंकि अगर ये ड्राई होंगी तो ही सेफ हो सकेंगी। इन्हें अच्छे से हम ड्राई करेंगे, किचन टॉवल से भी कर सकते हैं, टिश्यू से भी कर सकते हैं। और इसे मैं थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और फिर हम इसको सेव करेंगे।
हरी मिर्चें बिल्कुल ड्राई हो गई हैं, बस इस बात का ख्याल रखें कि हरी मिर्चें बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, तो फिर ये ज़्यादा अच्छी तरीके के साथ सेफ हो रहेंगी। तो अब ये मैंने एक जिप लॉक पैक ले लिया है, उसमें मैंने एक टिश्यू लगा दिया है इस तरह से, ताकि जब मैं हरी मिर्चें मैं इसमें रखूँगी तो जितना इसका जो अगर हल्की सी नमी भी होगी तो वो भी इस टिश्यू में जज्ब हो जाएगी। तो इसलिए एक टिश्यू रख लें या कंटेनर ले लें, आप कोई कंटेनर में आप टिश्यू बिछा दें और उसके ऊपर आप ये हरी मिर्चें जो है ना वो रख के सेव कर लें। तो मैं ये सारी हरी मिर्चों को इसमें टिश्यू में सेव कर रही हूँ। इस बैग में मैंने टिश्यू इसलिए रखा है ताकि इसकी कोई नमी बाकी ना रहे। हरी मिर्चों को मैंने ये ज़िपलॉक बैग में बंद कर दिया है। अब मैं इसको फ्रिज में रखूंगी, इसको फ्रीज़र में नहीं रखना, अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे जहाँ पे बाकी वेजिटेबल्स पड़ी होती हैं, और ये काफ़ी देर तक आपकी जो हरी मिर्चें वो चलेंगी और ना तो ख़राब होंगी बिल्कुल भी, बस बशर्त ये है कि ये बिल्कुल जो है ड्राई हो, बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इनको सुखाया हो, और ये फिर काफ़ी अर्से जो है ना आपको काम देंगी। अच्छा, नींबू को मैंने कट कर लिया है और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इनका रस जो है अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी। सारा जूस हम नींबू का निकाल लेंगे और मैं फिर आपको दिखा बताती हूँ कि मैंने फिर आगे क्या करना है। लेमन में से सारा जूस निकाल लिया, तो अब मैंने ये आइस क्यूब जो है ट्रे ली है और इसमें मैं ये सारी लेमन जूस जो है वो इसमें डाल देती हूँ, और मैं इसको तकरीबन पूरी नाइट के लिए जो है फ्रीज के लिए रख दूंगी। अब जब भी रमज़ान में मुझे चना चाट बनाना होगा या कुछ भी चाहिए होगा तो बड़े आराम से जो है ना मुझे लेमन का जूस जो है वो मिल जाएगा। रमज़ान में लेमन वैसे भी थोड़े महंगे हो जाते हैं, मिलना मुश्किल हो जाते हैं, तो बस जितना आप सेव कर सको इसे आप करें। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख के इसे पूरी नाइट के लिए रख दूंगी और सुबह फिर मैं इसको जिप लॉक बैग में जो है ना उसको मैं डाल दूंगी। जी व्यूअर्स, ये जो मैंने टमाटो का पेस्ट बनाया था ये मैंने ऐसे छोटे छोटे कंटेनर में रख के इसको फ्रीज कर लिया था, और ये अब मैंने इसको जिप लॉक बैग में इसको मैंने सेव कर लिया। अच्छा, और ये जो मैंने टमाटर वैसे ही रखे थे जिप लॉक बैग में, ये देखिए बिल्कुल आपस में नहीं जुड़े हैं और ये फ्रीज हुए हैं। ये पूरी रात के लिए इनको मैंने फ्रीजर में रखा है और ये ज़बरदस्त से फ्रीज हो गए हैं और मैं इनको स्टोर कर लूँगी। और हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने नीचे फ्रिज में रखा हुआ था, इनको मैंने फ्रीज़र में नहीं रखा है, हरी मिर्चों को हमने फ्रिज में ही रहने देना है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और काफ़ी अरसे तक चलेंगी। और लेमन, लेमन के क्यूब्स भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। लेमन का जूस निकाल के इनको मैंने जो आइस क्यूब्स वाली जो ट्रे होती है उनमें रख के मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था, और मैं इनको स्टोर कर लूँगी। अब जब भी मुझे रमज़ान में शरबत बनाना होगा तो उसमें ये क्यूब डल जाएंगे, और या मुझे चना चाट बनानी होगी, इस तरह जो लेमन जो है वो सेफ़ रहेंगे, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, उनका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, सेम बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। बेशक मैं इसको 2 महीने के लिए स्टोर करके रखूँ इन चीज़ों को, तो इन चीज़ों को कुछ भी नहीं होगा। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, इंशाल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।